महाराजगंज के ब्रजमनगंज नगर पंचायत के रामलीला मैदान को पार्क बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर शुक्रवार को शाम 4 बजे से ही विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी शशि भूषण अग्रहरी ने अपने समर्थकों के साथ रामलीला मैदान पड़ाव में दरी बिछाकर अनशन पर बैठ गए हैं और आज भी धरना जारी रहा। लगातार धरना स्थल पर सपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन प्राप्त हो रहा है। समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष मदन यादव और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव त्रिभुवन नारायण मिश्रा ने धरना स्थल पर आकर अपना समर्थन देकर आंदोलन की गति को और तेज कर दिया। उनका कहना है कि हर हाल में ब्रजमनगंज किया ऐतिहासिक धरोहर को बचाना है, इसके लिए मेरे प्राण ही चले जाएं। जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी अपने निर्णय को बदलें और मैदान को खुले ही छोड़ें, जिससे यहां पर ऐतिहासिक मेला हर बरसों की भांति होता रहे। संघर्ष कहीं भी, हम लोग संघर्षों के कोख से पैदा हुए हैं और कहीं अगर किसी संघर्ष के लिए कोई आदमी आवाज़ देगा तो वहाँ मुझे दल, पार्टी, जात धर्म की सीमाओं को तोड़ करके हमारे जैसे लोग वहाँ जरूर जाएंगे। मुझे जब आज जानकारी हुई कि रामलीला मैदान पर कुछ हो रहा है जिससे वहाँ के लोगों को, वहाँ के नौजवान शशि भूषण हैं, ये जायसवाल जी, विनोद हैं और लोग हैं, बैठे हुए हैं, तमाम लोग हैं, ये लोग उसके खिलाफ कुछ आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है। तो मैंने सबसे पहले जो यहाँ के ईओ हैं और SDM यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैंने उनसे जानना चाहा। उन लोगों ने बताया, जो कुछ बताया वो सुनने के बाद मैंने उनसे यही कहा और यही होता भी है। बहुत कुछ नियम कानून अपनी जगह होता है, उस क्षेत्र, उस जगह, वहाँ के लोगों की कुछ परंपराएं होती हैं जो लोकमत, लोकमान्य होती हैं और वो कानून से अलग रहते हुए भी कानून से ऊपर होती है, क्योंकि कानून लोगों के लिए ही होता है, लोगों की भावनाओं के अनुसार ही होता है। हम जानते हैं जो इन लोगों की मांग है, जब से मैं राजनीति में आया, कम से कम 40 साल तो लगभग हो ही गए होंगे, तब से मैं जानता हूँ कि ब्रजमनगंज में रामलीला होता है, पड़ाव में यहाँ रामलीला का मंचन होता है, भरत मिलाप होता है, जुलूस निकलता है, रावण का पुतला जलता है, मेला लगता है और तमाम सारी प्रक्रियाएं होती हैं, और उस पर अगर किसी प्रकार का अवरोध, किसी प्रकार का रुकावट प्रशासन के लोग केवल पैसा कमाने के लिए अगर करेंगे तो उसको नहीं होने दिया जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके लिए संघर्ष किया जाएगा। उनकी मंशा क्या है, आएंगे अभी अगर SDM आएंगे, मैंने कहा लोगों के बीच में आइए, वहाँ अपनी बातों को आप रखिए, अगर आपकी भावनाएं, आपकी बातें हमको लोक हित में लगती हैं, हमको निष्पक्ष और स्वतंत्र लगती हैं, तो जरूर उस पर विचार किया जाएगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।